आज हम आपको बताएंगे एशिया के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी के बारे में। इसे आप काशी और बनारस के नाम से भी जानते होंगे। ये मशहूर है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। अक्टूबर के महीने में त्योहारों की रौनक के चलते आपको यहाँ खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ मरना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में यहाँ मरने पर मुक्ति मिलती है ऐसा कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ के इतिहास की। मुगल काल और अंग्रेजी शासन के दौरान इसे बनारस कहा जाता था। ये नाम राजा बनार के नाम पर पड़ा, जिसे मोहम्मद घोरी ने एक हमले में मार गिराया। फिर आजादी के बाद जब उत्तर प्रदेश बना तो इसका नाम वाराणसी दो नदियों के नाम वरुणा और असी को जोड़कर रखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके 50 से भी ज्यादा नाम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर को भगवान शिव ने 5000 साल पहले बसाया था। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद जैसे कई हिंदू ग्रंथों में आपने इस शहर का नाम जरूर पढ़ा होगा। सम्राट अशोक के वक्त इसकी राजधानी का नाम पोटली था। यहाँ 84 घाट हैं, जहाँ की गंगा आरती को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना भी यही जन्मा है। ये जगह सिल्क क्लोथ्स, इत्र, हाथी दांत और शिल्प कला की बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हब है। जीवन में एक बार हर किसी को वाराणसी जरूर जाना चाहिए और यहाँ से पान खाए बिना बिल्कुल वापस मत आना।